नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू के दौरान। वो स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या कहा है, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इस स्टेटमेंट को समझना IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन को जानने के लिए। देखो दोस्तों, IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर समय समय पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, जैसा ही कोई अपडेट आता है। अभी हाल फिलहाल में कल परसों भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए डाला था। आप जानते हैं IDBI बैंक में LIC की कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, 49 से ऊपर LIC की साहब इसमें हिस्सेदारी है। एक इंटरव्यू के दौरान LIC के जो चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती जी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि हम IDBI बैंक में कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेंगे, क्योंकि IDBI बैंक उनका एक बहुत बड़ा बैंकिंग पार्टनर है। तो हिस्सा रखना बहुत कुछ बयां कर जाता है दोस्तों। हालांकि अभी उन्होंने कहा है कि छोटी हिस्सेदारी हम रखेंगे, लेकिन ये हिस्सेदारी बड़ा रूप भी ले सकती है। तो इन्हीं चीजों को समझना है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। इन्हीं चीजों को तो समझ के मैं आप लोगों को बताता हूं कि IDBI बैंक का जो रास्ता है निजीकरण का या मर्जर का, वो सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस पे जाके ही रुकता है। इन्हीं चीजों को तो समझ के कहता हूं मैं आप लोगों से। अब देखिए, जो LIC के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इसमें हिस्सेदारी बरकरार रखेंगे, हालांकि अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। अंतिम निर्णय किसको लेना है, सरकार को, कि LIC की कितनी परसेंट हिस्सेदारी IDBI बैंक में रहेगी या नहीं रहेगी। अंतिम निर्णय किसको लेना है, सरकार को, यह भी बात उन्होंने कही है। लेकिन यह अंतिम निर्णय सरकार अभी नहीं लेगी, और यह अंतिम निर्णय सरकार लेगी साहब 2024 के बाद, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, 2025 की बातें हो रही हैं साहब, कि 2025 में जाके सॉल्व आउट होता हुआ नजर आएगा कि IDBI बैंक में निजीकरण होगा या फिर ये साहब मर्जर होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि जो ये समय मिलेगा ना, जो ये समय मिलेगा 2-1 साल का जो समय मिलेगा सरकार को, IDBI बैंक को, इसमें IDBI बैंक के पास बहुत समय मिल जाएगा अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, सामर्थ्य बनाने का। सर, सरकार भी यही चाहती है कि समय मिले साहब, समय। और इसी समय के कारण समय समय पर न्यूज आ रही है, इसी समय के कारण समय समय पर न्यूज आ रही है, क्या कहने साहब। तो इस चीज को आपको समझना है कि जो बयान आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये थोड़ी हिस्सेदारी रखने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में मेरे ख्याल से पूरी की पूरी हिस्सेदारी IDBI बैंक की LIC के पास ही ना चली जाए। तो इन चीजों को समझिए, इनके इंटरव्यू, मेरे जो भी इंटरव्यू आता है, जो भी अपडेट आता है, कॉर्पोरेट अपडेट होता है, बिजनेस अपडेट होता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, वीडियो बनाने से पहले उसकी पूरी PDF, वो मैंने कहां से लिया है, सब कुछ मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो साहब वेट करिए IDBI बैंक में गिरावट का, और साहब फिर लेंगे हम इसको नीचे के स्तर पर। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की दीजिए आज्ञा, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार, फाइनली नमस्कार।